सीएम बनते ही उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट जो है वो आम जनता के लिए है। आम जनता भी ये सोच रही होगी कि अभी कुछ घंटे पहले तो उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन उसके बाद कौन सा ऐसा बयान उन्होंने दे दिया जो आम जनता के लिए है। सबसे बड़ी बात है, उमर अब्दुल्ला ने सीएम बनते ही कहा कि मुझे आम जनता को परेशान नहीं करना, ये वही जनता है जिस जनता ने मुझे चुना है और इन्हीं की वजह से आज मैं जम्मू कश्मीर यूटी का पहला मुख्यमंत्री बना हूं। और उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे किसी भी तरह का कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी कह दिया है, और इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी भी दी है कि मेरी बात जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जो है हो चुकी है नलिन प्रभात जी से, कि जब मैं सड़क पर जाऊं, जब मैं कहीं से भी गुजरूं, जब मैं चौक से गुजरूं, जब मैं चौराहों से गुजरूं, मुझे किसी भी तरह का कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए। अब मैं आम जनता के लिए आसान भाषा में बता दूं, ये ग्रीन कॉरिडोर क्या है। ये ग्रीन कॉरिडोर वो एक जगह है, जिस तरह से बात करते हैं कि जब भी देखिए आप कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है या जब भी सड़क से कोई भी मंत्री गुजरता है तो आम जनता के लिए जो है रास्ते को बंद कर दिया जाता है। आम जनता घंटों घंटों इंतजार करती है कि कब वो वीवीआईपी मूवमेंट होगा और आगे जो है वो आम जनता चलेगी। गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, छांव हो, आम जनता जो है, जो जनता वोट देती है ना इनको, वही जनता जो है कितने घंटे इनका इंतजार करती है कि ये कब इस सड़क से गुजर कर जाएं, जिनका टैक्स भी उन्होंने पे किया है, कब गुजर कर जाएं और कब हम गुजरेंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने सीएम बनते ही पहला बयान जो है वो लोगों के लिए दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात जी से बात की है कि जब भी मैं कहीं से भी गुजरूं, कहीं पर भी जो है वो ट्रैफिक को ना रोका जाए, आम लोगों को परेशान ना किया जाए, मैं डंडा और एग्रेसिव नेचर से जो है उसके बेहद खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि आम जनता को जब वो घर से बाहर निकले उन्हें ऐसा सुनने को ना मिले कि यहां से सीएम साहब जा रहे हैं, यहां से वीआईपी मूवमेंट जा रहा है उनका, तो आप इस रास्ते पर नहीं चल सकते हो। जिस रास्ते पर चलने के लिए, देखिए आपको सोचना होगा, इस रास्ते पर चलने के लिए हम लोगों की जेब से ही ये टैक्स जाता है, फिर ये रास्ता बनता है, और जब कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है हमें इस रास्ते पर जाने के लिए रोक दिया जाता है। और उमर अब्दुल्ला ने तमाम अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कहा है कि मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इसी तरह से फॉलो करें, वो भी कायदे कि हमें किसी भी तरह का कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए। देखिए जिस तरह से बात करते हैं, ऐसे कहने वाले उमर अब्दुल्ला पहले नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरह से जो है वो अपने राजनीति करियर की अगर मैं बात करूं तो एज ए सीएम कहा था कि हमें जो है वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें जो है वो लाल बत्ती की अगर बात करते हैं। देखिए उमर अब्दुल्ला ने भी यहां पर कहा है कि उन्होंने जिस तरह से गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती का जो सायरन रहता है उसे भी जो है वो यूज ना करें, तो इसी में उन्होंने भी जो है वो बेहतरी कही है। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला जो है हाल ही में उन्होंने अभी तो कुछ घंटे पहले ही जो है एज ए सीएम पद की शपथ ली है। अभी की बात करते हैं वो सिविल सेक्रेटरी में होंगे, और साथ ही साथ अगर बात करें अभी वो लोगों के लिए उन्होंने ट्वीट कर बता भी दिया कि देखिए मैंने आपके लिए फैसला ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई लीडर ट्विटर पर जो है वो ट्वीट करता है वो बताता है, ये और भी अच्छी बात है। इस डिसीजन को उन्होंने 2 ही मिनट में बता दिया कि देखो मैंने ये बात कर ली है, अब आम जनता ने उन्हें चुना है, आम जनता को परेशानी ना हो, आम जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए उन्होंने आम जनता को बता दिया कि देखिए मैंने आपके लिए फैसला लिया। अब आम जनता को समझना होगा कि जिसको उन्होंने लीडर चुना, जिसके लिए उन्होंने वोट किया, क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया। आम जनता की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को भी एक सम्मान, देखिए ये दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ उन्होंने बराबर करके बताए अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए ही। अगर वो खुद मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू से सुरिंदर चौधरी हैं। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ये समझते हैं कि लोगों ने मुझे जिताया है, लोगों की वजह से मैं आगे आया हूं, इस जनता को अगर मैंने परेशान किया तो इस 5 साल तो मैं रह भी जाऊंगा लेकिन अगले के 5 साल मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अगले 5 साल का भी रोड मैप अभी तैयार कर लिया है, लेकिन आते आते शुरुआत तो बहुत बेहतरीन की है उन्होंने। अब ये शुरुआत कब तक कायम रहती है देखने वाली बात होगी, लेकिन नो ग्रीन कॉरिडोर की जो उन्होंने बात कही है इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से उन्होंने बात कर ली है, और उन्होंने कहा है कि मेरे तमाम काउंसिल मिनिस्टर भी इसी तरह की एक राह पर चले ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। ये आम जनता के लिए बात थी। अब आम जनता को ये बात कैसी लगती है, उन्हें लगता है कि उनके जो लीडर है उमर अब्दुल्ला होने चाहिए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वही उनके लीडर है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत अहम रोल है इस जनता का, ये जनता की वोट की ताकत है आज जो जनता के सामने खड़ी है। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।